लाया कुल पुलस्ती को दाग लगाया, कुल पुलस्ती को दाग लगाया। बंदर क्या किस निंदा से तुम ही दूध बनकर आए हो, कहो क्या समाचार लाए हो। श्रीमान मैं आपके परम मित्र स्वर्गीय बानर राज बालिका पुत्र अंगद हूं। मैं प्रभु रामचंद्र जी की ओर से एक विशेष संदेश आपके लिए लाया हूं। जो घृणित कार्य आपने किया है वो अच्छा नहीं किया रावण, और इसलिए मेरा कहा मानो और माता सीता को वापस भेज दो। नीचे न बोल संभारे, हाँ बोल संभारे, हाँ रे कपे नीचे न बोल संभारे, न बोल संभारे रे ओ रे न जानस ओ रसुरारे, ओ रे न जनक करे भाई, जनक करे भाई, कहो निज नाम जनक करे भाई, जनक करे भाई, कहना ते कर बेटा अंगद नाम में, बालिकर बेटा दासो भाई का बहू तब बेटा, दासो भाई का बहू तब बेटा, नाम दूत में सुन दस सीसा, राम दूत में सुन दस सीसा, आए देखन भुज बल्ला पीसा, आए देखन भुज बल्ला पीसा। नीच पापी कुछ भी कहो लेकिन अपने स्वर्गीय पिताजी का मित्र होने के कारण आपको अपनी तुच्छ बुद्धि से समझाता हूं, और अपने कर्तव्य का पालन करता हूं। हे अंगद तू बाले करे पालक, हाँ बाले करे पालक, उप जा कुल में तू कुल घातक, उप जा कुल में तू कुल घातक, तुम जाए
जुबान को संभाल के बात कर राजनीति के नियम के अनुसार शत्रु के दूत का वध करना उचित नहीं है, वरना मैं पहुंचा देता हूं। आपको बखूबी जानता हूं, प्राय स्त्री को चोरी करना ये तुम्हारा धर्म है, फिर भी श्री रामचंद्र जी का एक संदेश सुन लीजिए। यदि संधि होगी तो बलिदान नहीं होंगे, सब और शांति का राज्य होगा, झगड़े नुकसान नहीं होंगे। रणचंडी यदि जय तुटी तो पृथ्वी सौहृदमय होगी, जय और प्रत्यय तब होगी, पहले महाप्रलय होगी। से संधि हो जाएगी, बेशरम जिस कुल में तेरे जैसा लाल हो, जिसे न अपनी शर्म गैरत का कुछ भी ख्याल हो, ऐसे कुल का क्यों नहीं दुनिया में पर तूने तो उसी की सेवा की ठान ली। शौक है मेरा यहाँ आना बेफायदा हुआ, वक्त है अभी भी रावण क्यों मौत का सौदा हुआ, तेरी ही बातों से तेरे ख्याल बेफायदा हुआ, क्या के कुल में पैदा नहीं हुआ। अपनी सोचिए, आप अपनी सोचिए, क्या फिक्र मेरे बाप की, होने वाली है वही हालत है रावण अब आपकी। चला था मैं तेरे पाप का बदला उसी ठहर चुका जाता हूं। ये पीछे तुम फिक्र करना, ये पीछे तुम फिक्र करना, मुझे बदला दिलाने की पहले तरकीब सोचिए, अपनी जान बचा की। चुपा को रोक जाहिल, ये क्या बक बक लगाई है, किसी पे अक्ल ने तुझे क्या अक्ल नहीं सिखाई है। अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल होती तो फिर क्या था, अक्ल का ही तो रोना है, और बदौलत अक्ल के तेरे रावण का होता है। अरे दूर हो जा, क्या मुक्त में कान खाए हैं, तेरे जैसे बच्चे तो मैंने आज तक लाखों पढ़ाए हैं। पढ़ाए हो शायद रावण, पढ़ाए हो शायद, जब थे आप आपे में, और अब तो अक्ल मारी गई खाकर इस बुढ़ापे में। अरे मूर्ख, तुझे किसी ने अपने से बड़ों के साथ बात करनी नहीं सिखाई है क्या। नहीं, बस मैं ये कहना चाहता हूं, जो गति मेरे पिताजी की हुई वही गति अब आपकी होने वाली है रावण। जो बात